हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह से। सुमा आज बनाने वाली है अचार। तो अभी हमारा काम चल रहा है नींबू काटने का। सुमा मैं आ गए हैं खेत में नींबू बू काट के। अब मैं हुमा को दे रही हूँ नलो। मैं घास काट के जाऊंगी, सुमा लेके जा रही है नलो। देखो हमने इसे रखा था पेड़ में ताकि हम बाद में दे सकें। तो अब मैं इनको देने लग गई हूँ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अगर बारिश आएगी ना ये खराब हो जाते हैं। सुमा जाने लगी है नलो लग के घर। सुमा कैसे रह चिता रहे हो तुम? सुमा बोल रही है बहुत अच्छा चिता रहे हम। मैं आ गई थी खेत से घर। आमा और सुमा का चल रहा था रेस्ट, और इन्हें अकेले अकेले कितना खा लिया, मेरे को दिया भी नहीं। सुमा तो अभी भी खाने में ही है। खाओ तो सही, करना इससे कुछ नहीं होता। देखो भी कितना कोमल होता है, ऐसे ऐसे करोगे कोमल है। वो ऐसे खाओ तो ये देखो देखो नमकीन नमकीन खा के आमा और मैं जाने लग गए हैं अब खेत में। खेत का काम करना है हम लोगों ने। हम लोग क्या काम कर रहे हैं वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। मेरे को तो उतने अच्छे से आता नहीं, तो आमा मेरे को सिखाएंगे कैसे करना है करके। आमा और मैं पहुंच गए खेत में। मैं आप लोगों को आज एक पहाड़ी सब्जी दिखाने आ रही हूँ। मेरे को तो उसकी सब्जी अच्छी नहीं लगती है वैसे, लेकिन बहुत लोगों को अच्छी लगती है। आमा आपको अच्छी लगती है? अच्छी नहीं लगती? आमा बोल रहे हैं मेरे को अच्छी नहीं लगती है, लेकिन बहुत लोगों को अच्छी लगती है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ पहले वो सब्जी कौन सी है। तो ये है वो सब्जी जिसको हमारे पहाड़ में गडेरी बोलते हैं। ये इनको नहीं खाना होता, पत्ती को नहीं खाना पड़ता है। हम बोल रहे हैं हाँ हाँ नहीं खाते, तो ये पत्ती नहीं खानी पड़ती है। अभी हम लोग इसके इसको खोदेंगे ना। पहले हम इसको काट रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसको खोदेंगे। जो इसके अंदर से निकलेगा ना उसको खाना। हमने काट के यहाँ फेंक दिए हैं। अम्मा ये गाय भैंस खाते हैं कांटा वाला, कुछ ही खाते हैं। अम्मा बोल रहे हैं ये गाय भैंस भी नहीं खाते हैं। हाँ दो भी नहीं लगाते हैं बोलते हैं, इसका कुछ नहीं करते हैं, इसको फेंकना हुआ। अब इसको कैसे खोदना है वो आप लोगों को दिखाऊंगी। अम्मा खोदने लग गए। देखो जहाँ पे इसका सर दिख रहा है ना वहाँ पे नहीं खोद रहे हैं, साइड साइड से खोद रहे हैं। अगर बीच में खोदेंगे तो ये कट जाएगा बीच में से। अम्मा बोल रहे हैं इतने अच्छे से हुए नहीं है, छोटे छोटे हुए हैं। आमा ने यहाँ तक निकाल लिए हैं, थोड़ा अभी यहाँ को रहे हैं। जैसे आमा और मैं आ गए नीचे, और चंदू का काम चल रहा है जौ उठाने का। तो मैं भी जा रही हूँ चंदू की हेल्प करने के लिए। चंदू को देखो छोटे छोटे हाथों से कितने अच्छे से काम कर रहा है। कट्टा पकड़ो ना, कट्टा पकड़ो ना, मेरे से बोल रहा है कट्टा पकड़ो ना, प्यार से बोलना फिर भाभी। कट्टा पकड़ो बोल, कट्टा पकड़ो बस, पकड़ने तो पकड़ो, खुद डाल दूंगा। हाँ डाल फिर डाल, ऐसा ही तो चाहिए मेरे को। हाँ डाल, देख रहे हो गुस्सा आ रहा है, कट्टा नहीं पकड़ रही करके तो खुद ही डालने लग गया है। क्या चाहिए? जो सुना नहीं सुना ना, तभी तो पूछ रही तुम्हारा। चंदू बोल रहा है कट्टे में डालने के लिए दूसरे की जरूरत नहीं होती है, उसके लिए सहूर चाहिए होती है जो चंदू के पास और किसी के पास नहीं है। चंदू का काम देखो कितना आलसी है, दो चक्कर जाना पड़ेगा करके सारी उंगली में बोतल डाल के ला रहा है। यहाँ पे आम पापा और चंदू के काम देखो क्या हो रहा है। चंदू दर्द हो रहा है, मैंने आज बनाई है स्वादिष्ट मैगी।
क्या शेरी सुमा मस्त है? सुमा बिल्कुल होश में नहीं है, बेहोश हो रखी है। मैगी खा के, मैगी खा के ये बेहोश। मैगी वैगी खा के सुमा और माँ आ गए हैं खेत में, हमें डालना है खेत में पानी। अब तो ठंडा भी बहुत होने लग गया, देखो धूप भी जाने लग गई। हमारे यहाँ को तो चले गई है ऊपर ऊपर को है थोड़ा, वो भी जाने लग गई है। ये मैडम को देखो खेत में पानी डालने आई है, पहले ठंडी से मर रही है यार, हद है बहन। क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है? इसको मुंशियारी का ठंडा लग रहा है मेरे को। खेत में पानी डालते डालते ना मेरे को एक काम याद आ गया था, पापा ने मेरे को सुबह बताया था खेत में धनिया धनिया का बीज छिड़कना है करके, तो मैं दिन में भूल गई थी, तो अभी सोच रही हूँ। आज मैं फर्स्ट बार ट्राई कर रही हूँ, देखते हैं धनिया उगता है या नहीं उगता है, क्योंकि आज तक मेरी सासू मतारी लगाते थे धनिया वनिया जो भी था, तो आजकल उनकी तबीयत ख़राब है आप लोगों को पता ही है, तो आजकल खुद ही सब कुछ कर रही हूँ, तो आज ट्राई कर लेती हूँ ये भी, क्या पता लग जाए, लग जाए ठीक, नहीं लगे तो ठीक। धनिया लगाने का काम भी हो गया है, पूरा काम सारा पूरा नहीं हुआ है, बस धनिया लगाने का काम हुआ है पूरा। अभी लगाने के बाद अब मेरा काम है फ्राई की सब्जी तोड़ने का, तो हम तीन ही लोग हैं, तो सुमा खाती नहीं है, पापा और मेरे लिए है, तो थोड़ी सी तोड़ के हो जाएगा, तो एक बार फटाफट से सब्जी तोड़ लेती हूँ। अभी बज चुके हैं 6:30, सुमा और मैं कर रहे हैं पापा का इंतजार, हमने सब्जी वब्जी बना ली है, अभी रोटी नहीं बनाई है। पापा बोल रहे थे आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा, तो पता नहीं आधा घंटा तो हो गया, पापा अभी तक आए नहीं है, तो मैं आज सोच रही हूँ पापा को उल्लू बना देते हैं। सुमा और मैंने सोचा है, पापा को बोलती हूँ मैं कि पापा मेरे को आईफोन दिला दो, तो देखते हैं पापा कैसा रिएक्ट करते हैं, और आप लोगों को भी दिखाऊंगी पापा कैसा रिएक्ट करते हैं। मेरे को तो लगता है मेरे पापा बोलेंगे क्या क्या बोल रही है ऐसा, फिर भी देखते हो क्या जो बोलते हैं। पापा सुनो तो, सुन रहे हो, एक आईफोन दिला दे यार मेरे को। बोलो बोलो ना क्या ऐसा रिएक्ट किया, क्या बोलूं यार, मजा है क्या बोलूं। आईफोन दिला रहे हो, थकते नहीं हो, फोटो नहीं बताओ पहले। जब मेरी कंपनी खुलेगी आईफोन तब दिलाओगे, जब आईफोन की कंपनी खोलोगे तब दिलाओगे, इससे पहले नहीं दिला जाओगे। बताओ ना 14 दिला रहे हो 15 दिला रहे हो। मैं खाना ही नहीं खाता, मैं सो रहा हूँ। मैं खाना मैं खाऊंगा भी, लेकिन जब नया मॉडल आएगा आईफोन 15 से नया मॉडल जो आएगा वो ले लीजिए। 15 के बाद दोगे? पता चला तब तक तो मेरी हड्डिया गल गई, मेरी वही गल जाएंगी हड्डिया। तेरे का आईफोन लागेगा, आईफोन भी तो तेरे गोपरे ला दो। खाना पीना खा के हम लोग आ गए रूम में, तो पापा बोल रहे थे कि यार मैं दिला दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। पापा को तो पता भी नहीं था हम लोग वीडियो बना रहे हैं करके, तो पापा ना किसी चीज के लिए मना नहीं करते हैं, पापा के पास हो ना हो, लेकिन पापा हमेशा ये बोलते हैं कि आज नहीं तो एक दो महीने बाद, दो तीन महीने बाद नहीं तो एक दो साल बाद, लेकिन पापा कभी ना नहीं बोलते हैं। एक चीज़ है पापा में, तो पापा ने मुझे ना नहीं बोला है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।